बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम अमार है और आप देख रहे हैं डबल ए रियल इस्टेट यूट्यूब चैनल। अच्छा व्यूअर्स, आज की इस न्यू वीडियो में आपको विज़िट कराऊंगा 10 मरला के इस बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी डिज़ाइनर हाउस का, जो कि इस टाइम मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल है। घर की जो लोकेशन है वो है बहरिया टाउन फेज़ एट रावलपिंडी, और बहरिया टाउन फेज़ एट रावलपिंडी में बहुत ही हाइटेड लोकेशन पर यह घर अवेलेबल है। इसके अपोजिट साइड पर आपको पूरी सफारी वैली जो है, उस्मान ब्लॉक, उमर ब्लॉक, अबूबकर, सारे ब्लॉक्स जो हैं वो आपको इसके नज़र आएंगे। मैं आपको टेरेस से जाके व्यू भी करवा दूंगा। और इस घर की जो डायमेंशंस है व्यूअर्स, वो है 35x70, 35 घर का फ्रंट है और 70 घर की लेंथ है, लंबाई है। वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है, घर का प्रॉपर विजिट करेंगे एंड इसी वीडियो में आगे फर्दर घर की डिमांड, फ्लोर प्लान, खूबसूरत इंटीरियर की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो क्लोजली भी आपने इसका एलिवेशन चेक कर लिया होगा। डिफरेंट एलिमेंट्स की हेल्प से इसका जो एलिवेशन है वो डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले वार्म लाइट्स का यूज़ किया गया है, उसके अलावा ट्रेवेंटाइन मार्बल का यूज़ किया गया है, उसके अलावा फैंसी स्टोन टाइल्स का यूज़ किया गया है। ये एक दफ़ा फिर से आप इसका क्लोजली एलिवेशन चेक कर लें, काफ़ी प्यारा, काफ़ी मॉडर्न एलिवेशन डिज़ाइन किया गया है। एलिवेशन के बाद आ जाते हैं इसके ग्रीन एरिया की तरफ। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास इसका ग्रीन एरिया अवेलेबल है, जिसको आप मज़ीद अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं। आ जाते हैं मेन गेट की तरफ। तो ये व्यू इसका हमारे पास है स्लाइडिंग गेट, लेफ़्ट साइड पर प्रॉपर ये स्लाइड करता है, राइट साइड से अंदर की तरफ क्लोजेबल है। तो मेन गेट के बिल्कुल सामने आ जाते हैं इसका पार्किंग रैंप, जिन पर टफ़ टाइल्स हैं। फर्दर थोड़ा सा बैक पर हमारे पास अवेलेबल है इसका वॉकिंग रैंप। चलते हैं घर के अंदर इसके खूबसूरत पोर्च के एरिया में। तो एक दफ़ा क्लोजली आप फिर से एलिवेशन चेक कर लें। बर्ड्स की आपको आवाज़ें आ रही होंगी। काफ़ी अच्छी लोकेशन पर, काफ़ी पीसफुल लोकेशन पे घर अवेलेबल है। घर के लेफ्ट साइड पे घर कंस्ट्रक्टेड है, राइट साइड पे प्लॉट है। आते हैं इसके खूबसूरत पोर्च के एरिया में। तो व्यूअर्स, इसकी आप इंटीरियर की डिज़ाइनिंग चेक कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी लग्जरी तरीके से इस घर को डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले फॉल सीलिंग देखते हैं, तो बिल्कुल सिंपल और डिसेंट है। इनर जो वॉल है लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे स्टोन वर्क किया गया है, राइट साइड पे ट्रेवल टाइन मार्बल है, निशेस के अंदर वार्म लाइट्स है, प्लस स्टोन वर्क किया गया है। आ जाते हैं इसके अगर पोर्च की तरफ, तो यहाँ पोर्च में मार्बल का यूज़ किया गया है। घर के अंदर भी आपको एक स्मॉल साइज़ में ग्रीन एरिया देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, पानी की मोटर भी अवेलेबल है, लेकिन वो भी अंदर रखी हुई है। तो एक दफ़ा फिर से आपको मैं इसका क्लोजली एलिवेशन दिखा दूँ, क्योंकि काफ़ी प्यारा, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एलिवेशन डिज़ाइन किया गया है। तो एंट्रेंस हमारे पास एक ही है। सबसे पहले आपको आइडिया होगा राइट या लेफ़्ट साइड पे स्ट्रीट छोड़नी पड़ती है वेंटिलेशन। तो इस घर का जो शशक है वो साइड स्ट्रीट और बैक साइड का है, तो आपको मैं लाजमी विज़िट कराऊंगा। यहाँ बैक साइड पे आप देख सकते हैं, सॉरी अपर साइड पे इसका सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल्ड है। अच्छा, साइड के एलिवेशन पे और बैक के एलिवेशन पे रॉक वॉल है, ये वाटर फाउंटेन है। इसी के सारे पैसे मैं अंदर से जाके आपको इसका विज़िट करवाऊँगा। और ये जो लेफ़्ट साइड का डोर है किचन की एक्सेस के लिए, अगर आपका मेड या सर्वेंट कोई है वो ये बैक साइड स्पायरल स्टेयर से छत की एक्सेस ले सकता है और आके आपके किचन में एंटर होकर आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, बैक साइड पे यहाँ पे हमारे पास गीज़र भी इंस्टॉल्ड है, लॉन्ड्री सेटअप है प्रॉपर। यहाँ पे ग्रीन एरिया भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है, आपको कमरे से इसका काफ़ी खूबसूरत व्यू आएगा। तो अब चलते हैं वापस से इसके कार पोर्च में। तो सबसे पहले यहाँ पे भी आप देख सकते हैं व्यूअर्स, कैमरा यहाँ पे भी इंस्टॉल्ड है। और ओवरऑल ये आपके पास प्रॉपर स्पेस है इसके कार पोर्च की, दो गाड़ियाँ इजीली आप अकोमोडेट कर सकते हैं। आपको मैं टेरेस से व्यू करूँगा, सामने आप व्यू देखें, सारी की सारी सफारी वैली जो है इस ब्लॉक से नीचे है। आ जाते हैं मेन एंट्रेंस की तरफ। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास काफ़ी हैवी वुड का, काफ़ी सॉलिड हमारे पास अच्छी क्वालिटी के वुड का डोर है। और चलते हैं घर के अंदर। तो व्यूअर्स, आ चुके हैं घर के अंदर, और अंदर आते साथ ये हमारे पास इसकी काफ़ी एक इम्प्रेसिव, काफ़ी एक आउट क्लास इसकी फर्स्ट एंट्रेंस है और फर्स्ट इम्प्रेशन है। ये है जी इसका प्रॉपर फ्लोर प्लान, आपको मैं गाइड करूं। सामने हमारे पास ओपन किचन है, काफ़ी लेवल का डिज़ाइन किया गया है, दो बेडरूम्स हैं वॉशरूम्स के साथ। यहाँ पे हमारे पास एक ड्राइंग रूम है, इसका और बेडरूम फर्स्ट का जो वॉशरूम है वो शेयरिंग में है। तो सबसे पहले इसका आप डबल हाइटेड इफेक्ट देखें। ऊपर आप इसका देख सकते हैं सनलाइट के लिए स्पेस भी छोड़ी हुई है, और ये आपके पास प्रॉपर अकोमोडेशन है इसके ग्राउंड पोर्शन की। तो सबसे पहले आपको मैं इसका वाटर फाउंटेन दिखा दूं, जिसके सारे पैसे, ये क्यों ऑफ हो गया है, चलें जी, ये अभी 5 से 10 मिनट में अपना काम करना शुरू कर देगा, तब तक हम इसके ड्राइंग रूम को विज़िट कर लेते हैं। घर के अंदर से ही आपके पास एक खूबसूरत सी एक्सेस है ड्राइंग रूम की, तीन आपके पास हैंगिंग बल्ब्स हैं। राइट साइड पे आपके पास आ जाता है मिरर, और मिरर में आ जाता है अमार आपके पास।
यहाँ से आपके पास ये इसकी प्रॉपर स्पेस ड्राइंग रूम की। अच्छा, ड्राइंग रूम में भी आपके पास यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एक लुक प्रोवाइड कर रहा आपके पास जो इंटरनल लॉन है, 10 मरला के घर में इंटरनल लॉन, तो काफ़ी एक यूनिक चीज़ है। आ जाते हैं फॉल सीलिंग की तरफ, तो ये इस घर का खूबसूरत काफ़ी हाइटेड फॉल सीलिंग है। डोर्स की डिज़ाइनिंग भी काफ़ी आउट क्लास है, डोर्स की क्वालिटी भी, और फ्लोरिंग पे जो टाइल है वो बड़े साइज़ की फैंसी शाइनिंग टाइल है, सेम पैटर्न का स्कॉटिंग भी यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम है, और यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट आप देख सकते हैं इसका शॉवर कैबिन डिज़ाइन किया गया है। वॉल हैंगिंग वैनिटी है, और फैसल भाई के यहाँ पे आप देख सकते हैं सैनिटरी का यूज़ किया गया है। कंसील कमोड है, और कंसील यहाँ पे रेन शॉवर है, और बैक द डोर आपके पास इसकी खूबसूरत, मैं आपको डोर्स क्लोज करके दिखाऊं, ये आपके पास आ जाता है इसका खूबसूरत मिरर एरिया, काफ़ी प्यारी तीन आपके पास आ जाती हैं हैंगिंग रोब लाइट्स, और यहाँ पे आपके पास एक जैसे कोई बर्तन शायद पड़ा हो। तो ये प्रॉपर स्लैब है, पानी की जो मोटर है वो छुपा के रखी हुई है, तो फॉर सेफ्टी पर्पस यहाँ पे रखी हुई है। तो व्यूअर्स, ये था हमारे पास इसका ड्राइंग रूम का एरिया, और अब हम चलते हैं वापस इसके एंट्रेंस की तरफ। ये हमारे पास अगेन यहाँ से घर के अंदर भी स्पायरल स्टेयर्स काइंड ऑफ बनाई हुई है, अपर पोर्शन के एक्सेस के लिए, बैक साइड से छत के लिए भी स्पायरल स्टेयर्स है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं पानी का जो फ्लो है वो थोड़ा बहुत स्लो है, आपको नज़र आ रहा होगा या नहीं मैं विंडो से आपको दिखाऊं। ये आप देख सकते हैं फुल वर्किंग में इसका, और यहाँ से है जी इसका ये प्रॉपर अपर का व्यू। तो ये हमारे पास मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है स्प्लिट स्टोन टाइल्स की हेल्प से, राइट लेफ्ट साइड पे विंडोज़ हैं। और आ जाते हैं बेडरूम फर्स्ट की तरफ, तो ये है जी व्यूअर्स हमारे पास प्रॉपर अकोमोडेशन इसके बेडरूम फर्स्ट की। टाइल पैटर्न हर जगह पे बिल्कुल सेम है, और रूम का आप साइज़ देखें काफ़ी लग्जरी, काफ़ी स्पेशियस साइज़ है। रॉयल डिज़ाइन में आपके पास आ जाती है दो वार्म लाइट्स, बाकी वॉल्स पे जो पेंट है वो डिफरेंट है, जो यहाँ पे क्रीम पेंट का यूज़ किया गया है। फ्लोरिंग पे टाइल पैटर्न बिल्कुल सेम है, पूरे घर में आपको यही ट्रेवल करता हुआ मिलेगा, और फॉल सीलिंग और लाइट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ से अभी मैं आपको वॉशरूम का विज़िट करवा चुका हूँ, तो यहाँ से आपको अगेन थोड़ी सी इसकी झलकी दिखाऊँगा। तो व्यूअर्स, ये था हमारे पास बेडरूम नंबर फर्स्ट इस 10 मरला के खूबसूरत घर के ग्राउंड पोर्शन का। अगेन आप आते हैं तो ये आपके पास प्रॉपर अगेन स्पेस है, और यहाँ से आप आते हैं तो ये आपके पास बेडरूम नंबर सेकंड है। अब इस बेडरूम की आप अकोमोडेशन देखें, स्पेस देखें, काफ़ी स्पेशियस इस घर के तमाम बेडरूम्स जो हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं। फॉल सीलिंग भी काफ़ी आउट क्लास है, एसी के पाइप्स को जो है वहाँ पर कवर किया गया। अब यहाँ से बैक साइड पर आपके पास आ जाता है ग्रीन एरिया, और ये आपके पास घर के बैक साइड लॉन्ड्री की एक्सेस भी है। घर में सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है, और गैस बिजली पानी जो है वो सब कुछ इस एरिया में, इस ब्लॉक में अवेलेबल है। ये बेडरूम सेकंड है ग्राउंड पोर्शन। आप वॉशरूम की आप क्लास चेक करिएगा, वॉशरूम में आप सबसे पहले एंटर होते हैं तो स्लाइडिंग डबल केस में आपके पास आ जाती है वार्डरोब्स। फर्दर आप आते हैं तो ये इसका आ जाता है काफ़ी एलिगेंट खूबसूरत फिनिशिंग के साथ आपके पास इसका अटैच वॉशरूम। फैसल की थ्रू आउट सैनिटरी यूज़ की गई है, ग्रेनाइट की स्लैब है, ऊपर फैंसी वैनिटी है, यहाँ पे भी डल टाइल्स हैं, और ये आपके पास आ गया कंसील्ड रेन शॉवर। टाइल्स का पैटर्न देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अट्रैक्टिव टाइल्स का पैटर्न सेलेक्ट किया गया है। वैनिटी केस के ऊपर आपके पास आ जाती है तीन हैंगिंग लाइट्स, एसके का कंसील्ड एग्जॉस्ट फैन आ जाते हैं, और ये है आपके पास बेडरूम सेकेंड का वॉशरूम सेपरेट। तो इस घर के जितने भी वॉशरूम्स हैं व्यूअर्स, सब के सब ऐसे ही काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के साथ डिज़ाइन किए गए हैं। तो ये था व्यूअर्स हमारे पास बेडरूम नंबर सेकंड। आ जाते हैं इसके अब किचन की तरफ, तो सबसे पहले टाइल डिफरेंस आपको दिखाता जाऊँ। आपके पास किचन में वुडन टेक्सचर की डल टाइल्स आती हैं, यहाँ पे एक स्लैब है सर्विंग के लिए स्लैब, ओवन आ जाता है प्लस बेकर आ जाता है, यहाँ पे आपके पास पेनेट्री रैक आ जाता है, और ये आप शीट्स चेक कर सकते हैं, हुड प्लस बर्नर भी इंस्टॉल्ड है। अपर एंड लोअर केस की जो आपके पास शीट्स हैं काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन की गई हैं। ये आपके पास आई गेस फ्रिज की स्पेस अवेलेबल है, और ऊपर आपके पास कैबिनेट्स डिज़ाइन की गई हैं, लेकिन यहाँ पे हाथ नहीं पहुँचेगा, ओए होए काफ़ी ऊपर है। तो ये है व्यूअर इसका
ग्राउंड पोर्शन किचन। अब ये प्रॉपर व्यूअर्स 5 बेडरूम डिज़ाइनर हाउस है 10 मरला का, लेकिन इसमें जो किचन है वो आपके पास एक ही अवेलेबल है। ऊपर वाले पोर्शन में जो आपके पास रूम्स डिज़ाइन किए गए हैं बहुत ही लग्जरी किस्म के डिज़ाइन किए गए हैं, वॉशरूम्स की फिनिशिंग आपने देख ली होगी। तो ये था हमारे पास प्रॉपर व्यूअर इस घर का ग्राउंड पोर्शन। अगर बात करें इस घर के आस्किंग प्राइस की तो 4,40,00,000 रुपये इस खूबसूरत डिज़ाइनर हाउस की डिमांड की जा रही है, जो कि इस घर के अलॉटी की तरफ से है और जिसमें मज़ीद नेगोशिएशन की जा सकती है। तो आप सब देखने वालों में से अगर कोई भी क्लाइंट इस प्रॉपर्टी को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड है, आप सब की स्क्रीन्स पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा होगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा नेम विद नंबर मेंशन है, सेम नंबर में मेरा व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह डबल ए रियल स्टेट की तरफ से आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो ऊपर वाले पोर्शन में सबसे पहले आप आते हैं तो आपको मैं यहाँ से इसके नीचे के शशके दिखा दूँ, प्रॉपर जो इसका व्यू है। ये वन साइडेड कॉर्नर से व्यूअर्स आपके पास व्यू है। आ जाता है टेरिस वाला रूम, बहुत ही आउट क्लास है। ये आ जाता है सेकेंड रूम आपके पास, ये आ जाता है आपके पास थर्ड रूम। टाइल पैटर्न पूरे घर में सेम है, यहाँ पर आपके पास सनलाइट दी गई है काफ़ी खूबसूरत, और सामने आपके पास आ जाता है खूबसूरत शैंडलियर जो कि ऑलमोस्ट नीचे तक जा रहा है। तो व्यूअर्स अगर बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी के किसी भी 10 मरला के सेक्टर में आपका अपना प्लॉट है, आपने सेम टू सेम ऐसा घर कंस्ट्रक्ट करवाना है A+ प्रीमियम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में, तो डबल ए रियल सेट से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, इंशाल्लाह आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। इस घर की जो कैटेगरी फॉल करती है व्यूअर्स वो है A+ प्रीमियम। यह आता है इसका अटैच वॉशरूम, टाइल पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, सामने मिरर आ जाता है, लेफ्ट साइड पे आपके पास आ जाते हैं इसकी स्लाइडिंग डोर्स वाली वार्डरोब्स, और राइट साइड पे आप देख सकते हैं इसका बहुत ही आउट क्लास बहुत ही खूबसूरत वॉशरूम। ऊपर अगेन डिफरेंट वार्म लाइट्स हैं, काफ़ी बड़े साइज़ का मिरर है। इसका कमोड किधर गया? अच्छा कमोड यहाँ पे है इसका, ये भी कंसील है। और यहाँ का अब आप थीम चेक करें, ग्रेज थीम दिया गया, टाइल फ्लोरिंग पे सेम है, जो साइड वॉल्स हैं इसमें कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो ये है जी इसका खूबसूरत अपर पोर्शन के बेडरूम, फर्स्ट का अटैच वॉशरूम। कमरों के साइज़ आपको इस वजह से भी बड़े नज़र आ रहे होंगे व्यूअर्स, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में आपके पास लिविंग एरिया नहीं है, इसलिए जो लिविंग एरिया की स्पेस है वो बेडरूम्स में कंज्यूम की गई है, और जो वार्डरोब्स हैं वो हर घर हर कमरे के वॉशरूम के अंदर ही इंस्टॉल्ड है, जो कि काफ़ी एक अच्छा और प्लस पॉजिटिव फीडबैक है। आ जाते हैं बेडरूम सेकंड की तरफ, तो यहाँ पे आप अगेन देख लें इसके डोर की हाइट, डोर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसको आप एज अ है तो ये बेडरूम ही प्रॉपर वॉशरूम के साथ, लेकिन अपर पोर्शन का आप ड्राइंग रूम भी कंसीडर कर सकते हैं, गेस्ट रूम भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये मिडल में और फ्लोरिंग पे टाइल्स आप देख सकते हैं, हर रूम की काफ़ी खूबसूरत टाइल्स है, और ये एक प्रॉपर आपके पास एक कॉर्नर से इसका व्यू है। बहुत ही व्यूअर्स पीसफुल, काफ़ी हाइटेड लोकेशन पे घर अवेलेबल है। अगर आप 10 मरला की प्रॉपर्टी परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल राइट नाउ, यू कैन गेट इट बाय कॉन्टेक्टिंग मी। तो ये इसका टाइल पैटर्न अच्छा, इस वॉशरूम में भी आते साथ ही स्लाइडिंग आपके पास वार्डरोब्स हैं, और जो वॉल्स हैं इन पे ओवरऑल आपके पास काफ़ी प्यारे टोन की टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं, फ्लोरिंग पे भी। यहाँ पे डिफरेंट वैनिटी है, ऊपर डिफरेंट आपके पास फैंसी लाइट आ जाती है, और यहाँ पे स्लाइड वाली आपके पास आ जाती है वेंटिलेशन विंडो, कंसील्ड आपके पास आता है शॉवर केस, और यहाँ पे आपके पास आता है स्टोन टाइल्स। अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं आप बैक की जो कमोड की है, यहाँ पे आपके पास आती है कंसील्ड कमोड के बैक साइड पे स्प्लिट स्टोन वाली टाइल्स। तो ये था भाई अपर पोर्शन का बेडरूम नंबर सेकंड। और व्यूअर्स अगर आपको ये घर आज की वीडियो पर, ये वीडियो मैं ईद से एक दिन पहले अपलोड करूँगा आपके लिए, एक तरह से ये डबल ए रियल स्टेट की तरफ से एडवांस ईदी होगी, इतना खूबसूरत घर। तो इंशाल्लाह चांद रात वाले दिन ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, और आपने इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। अगर आपको घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, घर का मैप, फ्लोर प्लान पसंद आता है तो आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना है, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी प्रोवाइड करना है। अब इस घर की जो मेन जो वर्थ है ना वो आप यहाँ से चेक करें, इसकी क्लास देखें, सामने ये सारा आपके पास आता है व्यूअर्स सफारी वैली, मौसम वैसे ही इतना खूबसूरत है, और ऊपर से आपका घर अगर हो टॉप हाइट लोकेशन पर तो वैसे ही आपके मज़े हो जाते हैं।
ये है जी इसका टेरेस वाला रूम, सबसे मास्टर साइज बेडरूम है। अब इसका आपको मैं वॉशरूम दिखाता हूँ, ये भी बहुत क्लास का बना हुआ है। इसमें आपके पास आ जाती हैं डबल साइडेड वार्डरोब्स लेफ्ट और राइट साइड पे स्लाइडिंग डोर्स के साथ। अगेन लेफ्ट साइड पे एक स्लैब के ऊपर आपके पास सोगो कंपनी की वैनिटी, ऊपर वार्म लाइट, और राइट साइड पे आपके पास आता है कंसील्ड कमोड प्रॉपर। और हर चीज़ अगर यहाँ पे लेफ्ट राइट पे दी हुई है तो यहाँ राइट साइड पे अगर एक रेन शॉवर है तो यहाँ पे भी वैसे होना चाहिए था, बहरहाल बाद में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये है व्यूअर्स इसका टेरेस वाले रूम का लग्जरी वॉशरूम। तो व्यूअर्स घर का विजिट हमने कंप्लीट कर लिया है, अब आपको मैं टेरेस का एक व्यू करवाता हूँ ताकि आपको इस घर की जो असल क्लास है उसका आइडिया हो जाए। देन हम वीडियो को एंड करते हैं, इफ्तारी का भी टाइम हो चुका है तकरीबन। तो ये इसकी प्रॉपर सिटिंग एबल टेरेस है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वार्म लाइट्स हैं, और ये इसके साइड का एलिवेशन है, और ये आपके पास आता है इसके फ्रंट का प्रॉपर व्यू। छत की जो एक्सेस है घर के बैक साइड स्पाइरल स्टेयर्स हैं, उससे आप कौन चढ़ के ऊपर जाए, जिसने घर खरीदना होगा वही जाएगा। तो व्यूअर्स ये थी आज की नई वीडियो, आज का नया खूबसूरत तरीन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल राइट नाउ। तो इस घर से रिलेटेड डिटेल्स के लिए व्यूअर्स आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर्स मेंशन है, व्हाट्सएप पे भी सेम नंबर है, और सिम पे फ़ोन कॉल करनी हो, वैसे तो व्हाट्सएप पे ही करते हैं कंजूस लोग, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।